हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आज है बूढ़ा मंगल, यानी कि सबसे बड़ा मंगल। तो बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे और हमारे परिवार की तरफ से, हमारी यूट्यूब फैमिली को। तो आज के खाने में हम क्या बनाने वाले हैं आप लोगों को दिखाएंगे, और आप पूरा ब्लॉग देखना है आप लोगों को। तो आज के खाने में हम क्या बनाने वाले हैं आप लोगों को दिखाएंगे, और आज क्या क्या हमारे यहाँ पर बना है। तो सुबह ना मैंने और जो ऊपर के काम होते हैं, झाड़ू पोछा और भी सारे काम होते हैं, तो वो मैंने करे। तब तक मम्मी ने नहा के और जो प्रसाद वगैरह भोग होता है ना, जो लड्डू वगैरह वो, और मीठी पूड़ियाँ घी में बनाई जाती हैं, देसी घी में, तो वो मम्मी ने बनाई है प्रसाद के लिए। तो पूजा पाठ हमारे यहाँ पर हो चुकी है। अब आया है नंबर खाने का, यानी कि खाना बनाने का। तो मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मैंने जब तक मम्मी बोली तुम अपने और काम देख लो, तब तो लाओ मैं ना के प्रसाद के लिए बना लेती हूँ भोग वगैरह। तो इधर हमारी सब्जी बन रही है, तो सब्जी आप लोगों को दिखाते हैं किसकी आज हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को छोड़ दिया था, और इसके बाद मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्टिंग किया है। तो आज हमारे यहाँ पे ना गोभी आलू की सब्जी बन रही है। बस थोड़ी सी ही और इसमें वो रह गई है, और यानी कि बनने वाली है, थोड़ा टाइम ही और लगेगा। तो इधर मैं काट ले रही हूँ हरी धनिया, और इधर मम्मी ने भोग के लिए पूड़ियाँ बनाई थी मीठी, तो इधर प्रसाद वगैरह चढ़ गया है। और अब मैं बनाऊँगी खाना, तो खाना के लिए मैं लगा ले रही हूँ आटा। और तो हमारे यहाँ पे ना बूढ़ा मंगल बोला जाता है, और आप लोगों के यहाँ पे क्या कहते हैं मंगलवार को? वैसे मंगलवार ही कहते होंगे, क्योंकि आज बजरंगबली का दिन है, खास दिन है। तो आप लोग बताना कमेंट में क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो बूढ़ा मंगल ही बोला जाता है, सच बताऊँ तो। तो पूजा हमारे यहाँ पे हो चुकी है, और वो बजरंगबली पे चोला वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो वो हमारे पापा ही पूजा पाठ करते हैं। भोग भी पापा ही ने ही लगाया था, पापा ही ने। और इधर मेरी ये सब्जी बन चुकी है, और मैंने धनिया तैयार कर लिया काट के, और पूड़ियों के लिए मैंने लगा लिया है आटा, और आप लोगों को दिखाते हैं। तो इधर मैंने धनिया पत्ती तैयार कर ली है काट के, और इधर आटा लगा के रख लिया है। इधर सब्जी भी बनने वाली है। आज ना बहुत ही अच्छा दिन है बजरंगबली का, और बहुत ही अच्छा सभी का दिन जाए, और भगवान सबके यहाँ पर खुशियाँ लाए खूब ढेर सारी। तो कर लेती हूँ मैं तैयारी खाने की, और ना आज देखिए मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ आप लोगों को दिखाएंगे। तो इधर मैंने पूड़ियाँ बेल ली हैं, और मैं इधर सेकने का नंबर भी लगा दिया है, और कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। तो आप लोग भी आ जाइए, गरम गरम पूड़ियाँ, गरम गरम सब्जी, तो खाने के लिए। और मेरा ब्लॉग ना कोई बनाने वाला नहीं है ना, तो मैं खुद से ही बनाती हूँ, तो इस वजह से थोड़ी ना दिक्कत आ जाती है बनाने में। तो बना लेती हूँ पूड़ियाँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो खाना मैंने बना लिया है, और इधर मैंने रख लिया है अपने लिए खाना, लगा लिया है,
क्योंकि सभी लोग खाना खा चुके हैं, बच्चे वगैरह पापा वगैरह सभी लोग ने मतलब खा चुके हैं फैमिली में। अब मैं ही केवल बची हूँ, तो मैंने भी अपना खाना लगा लिया है। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए ना। अब बहुत तेज़ वाली भूख लगी है क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी, और मैंने देखी अभी हाथ भी नहीं धुले हैं, पूड़ियाँ बनाई थी, अब खाना खा लेंगे उसी के बाद धुलेंगे क्योंकि मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी है। और चलिए आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो सारे काम हो चुके हैं और खाना वगैरह मैं खा चुकी हूँ, और इधर मैंने किचन भी अपनी साफ़ कर दी है, बिल्कुल भी चमका दी है, और कढ़ाई मैंने अभी नहीं मांझी है क्योंकि कढ़ाई मांझेंगे हम शाम को, कचौड़ियाँ बनाएंगे तब। और आज ना मुझे कुछ सीखना है नया, तो बस उसी के लिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा ले रही हूँ क्योंकि हमारे घर वाले भी हमें बहुत परेशान करने लगे कि पूरा दिन कुछ ना कुछ सीख लिया करो, कुछ ना कुछ सीख लिया करो, क्या सीख ले क्या सीख ले। तो मैंने अपने मन में दिमाग में ये चीज़ ठान ली है, बैठा ली है क्योंकि मुझे सीखना है। मुझे ब्लाउज बनाना नहीं आते, और मैं यानी कि सिलाई यानी कि कुर्ती वगैरह नहीं बनानी आती हैं, तो मैंने अपने पड़ोस की एक बिटिया को बुलाया है, वो थोड़ा सिल लेती है, कटिंग वगैरह कर लेती है। तो मैं ना आज पहले फर्स्ट नंबर ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे, और अगर अपने बना लो तो किसी भी तरीके की डिज़ाइन के पहन सकते हो बना के। तो मैं सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे, कैसे कटिंग की जाती है, किस तरीके से काटे जाते हैं, फिर सिलाई करना सीखेंगे। तो फटाफट से जल्दी से काम निपटा ले रही हूँ क्योंकि वो बिटिया आने वाली है हमारे यहाँ पे, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमने क्या सीखा है। और सिलाई वगैरह वो सिलाई करनी नहीं आती है मुझे, मतलब ब्लाउज और कुर्ती वगैरह पजामी वगैरह नहीं बनानी आती है, बाकी की मुझे कोई काम छूटा नहीं है। जो भी है स्वेटर वगैरह किसी भी तरीके के बनवा लो, और ग्लव्स वगैरह हर चीज़ मुझे आती है। सच बताऊँ वो मेरे घर में आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी पैरदान बनाए हैं वो मेरे ही हाथ के डले हुए हैं। तो मैंने अपने दिमाग में बैठा ली है, और जब भी कहीं वार्तालाप होता है ना और मोहल्ले के लोग ये तुम्हारी बहू ब्लाउज नहीं बना, थोड़ा मम्मी भी थोड़ा कहने लगती है तो ब्लाउज सीख लो, मशीन है घर में सीख लिया करो थोड़ा बहुत, तो फोन से देख देख के काट के। अरे भाई हम नहीं लाओ, हम सीख ही लेते हैं, ये भी एक काम, ये इसका भी क्या कहते हैं वो भी छूट जा रहा था पीछे, तो चलो ये भी सीख ले। तो बस उसी की तैयारी कर ले रही हूँ जल्दी से। थोड़े से मेरे ऊपर के काम हैं, बच्चों की ड्रेस वगैरह है, कल आज छुट्टी थी, कल स्कूल से आए थे तो मैं इस निरमा में यानी कि सरफ में भिगो के रख के आई थी, जब नीचे आई थी तो मैं उनको धुल के डाल दे रही हूँ। उसके बाद में मैं सिलाई की मशीन रखेंगे और वही कटिंग वगैरह हम सीखेंगे किस तरीके से काटे जाते हैं ब्लाउज। तो फटाफट से तैयारी कर लेते हैं। तो सारे काम से मैं बिल्कुल फुर्सत हो गई थी यानी कि 1:30 बजे, और मैं फिर बैठ गई थी मशीन रख के सिलाई की, और हमारे एक मोहल्ले की बेटियाँ थी तो वो भी आ गई थी, तो उन्होंने मुझे ना आज ब्लाउज की कटिंग सिखाई थी। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं कि मैंने आज क्या काम सीखा है, और देखिए मेरी मेहनत ना रंग लाई। तो मैंने पहली बार मैंने सिलाई की थी यानी कि मैंने ब्लाउज पहली बार ये सिलाया खुद से काट के, और केवल उन बिटिया ने जो हमारे मोहल्ले की थी ना, तो उन्होंने सिर्फ ना चौक से टिक लगाए थे कि हाँ यहाँ पे करके ऐसे ऐसे करना है, और ना बहुत ही अच्छा ब्लाउज सिलाया मैंने, सच में पहली बार सिलाया, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा ब्लाउज बना सकूँगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है, बहुत ही अच्छी सफाई आई है, और यानी कि मैं ब्लाउज बनाना सीख गई। और आज मेरा ब्लॉग भी बहुत लेट हो जाएगा आने में, और मैंने पहली बार ये ब्लाउज बनाना सीखा है, तो मेरी मेहनत ना रंग लाई और मैं सीख गई। और इधर देखिए पूरा तामझाम अभी भी पसरा है, अब मैं ना इसको हटाएंगे अभी।
तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ एंड अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।